कोरोना की विपरीत असर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में पण वर्ताई रही है। मंदिर खुल्यू छता दर्शनार्थियों की पाखी हाजरी, तो ट्रस्टी की आवक में पण थयो छे दरखम घटाड़ो। दैनिक 8-10 हज़ार लोग दर्शन माटे आवता था, जेना बदले एक मास में मात्र 63 हज़ार लोग दर्शन माटे आव्या। ट्रस्टनो मासिक खर्च 1 करोड़ थी वधु, तो आवक मात्र 17 लाखनी ज छे। प्रतिमासे 3.5 करोड़ जीवी आवक थती। जो आवी ज परिस्थिति रहेशे तो आगमी समय में ट्रस्ट ने महकम सहितना खर्च ने पहुंची वड़वा पण मुश्किल बने तेवी परिस्थिति निर्माण पामे तो कोई शक नहीं। कोरोना महामारी ना पगले लॉकडाउन ना कारण देशना देवालयों घणा लांबा समय सुधी बंद रह्या हता। आखर अनलॉक 1 में 8 जून थी सोमनाथ महादेव मंदिर ना द्वार दर्शनार्थियों माटे खुल्या छे। लॉकडाउन बाद मंदिर ना ट्रस्ट तो द्वारा द्वार तो खुल्या, परंतु दर्शनार्थियों की संख्या में नोंधपात्र घटाड़ो जोवा मळी रह्यो छे। ट्रस्टना जनरल मैनेजर विजयसिंह चावड़ाना जणाव्या मुजब लॉकडाउन पहला सोमनाथ महादेव मंदिर खाते दैनिक 12 हज़ार जेटला दर्शनार्थियों आवता हता, हाल में मात्र 2-3 हज़ार ज आवे छे। मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या में जेम घटाड़ो नोंधायो छे तेवी रीते ट्रस्टनी आवक में पण दरखम घटाड़ो नोंधायो छे। विजय सिंहे वधुमां जणाव्युं छे कि सोमनाथ महादेव मंदिरनी मासिक आवक 3 करोड़थी वधु हती, ते मात्र हवे 17 लाखनी थई छे। सोमनाथ मंदिर ट्रस्टना कायमी ने आउटसोर्सिंग कर्मचारीओनो पगार खर्च 1 करोड़थी वधु छे, आ उपरांत इलेक्ट्रिक खर्च सहितना खर्चाओ अलग। जो आवी ज परिस्थिति रहे तो आगामी समय में ट्रस्ट ने महकम सहितना खर्चमां मुश्किली सर्जाई शके छे। कोरोना महामारीनी दरेक क्षेत्र में व्यापक प्रमाण में सर जोवा मळी रही छे, जेमां धार्मिक ट्रस्टो अने संस्थाओ पण बाकात रह्या नथी। त्यारे आर्थिक रीते सर्जायेली आ विकट परिस्थिति क्यारे सुधरशे ते तो आवनार समय ज बतावशे। कोरोना वायरस जेवी वैश्विक महामारीना कारणे समग्र जग्याए एनी असर पड़ी छे, खास करीने लॉकडाउन दरमियान मंदिर 19 मार्च थी लई अने 7 जून सुधी बंद राखवामां आव्युं हतुं, अने 8 जूने सरकारनो जे अनलॉक 1 ની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે મંદિર શરૂ કરવામાં આવ્યું, એટલે પ્રથમ માસમાં 62 હજાર જેટલા યાત્રિકોએ દર્શન કર્યા। આમ જોઈએ તો રૂટીન 8-12 હજાર જેટલા યાત્રિકો ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ચાલુ દિવસે આવતા હોય છે, અને હાલ જોઈએ તો 2000-2500 જેવા યાત્રિકો રોજ દર્શન માટે અહીંયા પધારતા હોય છે। જ્યાં ચાલુ દિવસમાં લોકડાઉન અગાઉ માસિક ટ્રસ્ટને 3 કરોડથી વધારે જેટલી આવક થતી હતી, અને હાલ ગયા મહિને 17 લાખ જેવી આવક થઈ છે, એટલે આવકમાં પણ લોકડાઉનના કારણે ઘટાડો જોવા મળે છે। ટ્રસ્ટનો કાયમી અને આઉટસોર્સિંગ સ્ટાફ જોઈએ તો 1 કરોડ જેટલો પગારનો ખર્ચ છે, એ સિવાય પણ બાકીનું મેન્ટેનન્સ ઇલેક્ટ્રિક બિલનો ખર્ચો પણ ટ્રસ્ટને થતો હોય છે। ખાસ કરીને સાહેબ આ આવક ઓછી થઈ છે તો એની કોઈ અસર ઊભી થશે અથવા ટ્રસ્ટ દ્વારા કોઈ બીજી વ્યવસ્થા? હાલમાં તો ટ્રસ્ટ દ્વારા પગારને બધું નિયમિત થાય છે, આ લાંબુ ચાલે તો ટ્રસ્ટમાં પણ એની અસર પડે।